आज जगत गुरु सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इस दिन को सिख धर्म में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नाम गांव में हुआ था। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू जी था और माता का नाम तृप्ति देवी था। मान्यता है कि बचपन से ही गुरु नानक देव जी विशेष शक्तियों से धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखने को भी मिला। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह माता सुलखनी से हुआ। इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। इन दोनों बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ही गुरु नानक देव जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। 1521 ईस्वी तक उन्होंने यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान वे सबको उपदेश देते थे और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों पर भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा को हमेशा से निर्थक माना और हमेशा ही रूढ़ी और कुंसंकारों के विरोध में रहे। नानक देव जी के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही है। तत्कालीन इब्राहिम लोदी ने इनको कैद कर लिया था। आखिर में पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें इब्राहिम हार गए और राज्य बाबर के हाथों में आ गया। तब इनको कैद से मुक्ति मिली। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी करतारपुर में दिव्य ज्योति जोत में समा गए। लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अपने जीवन के तीन मूल सिद्धांत नाम जपो, कीर्त करो और वंश को बता गए। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी कहलाए। वे सिखों के दूसरे गुरु भी माने जाते हैं। आज प्रकाश की टीम की तरफ से आप सभी को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।